हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज निकल आई है दोस्तों धूप, तो कुछ इस तरह अभी सामने का मौसम और कुछ इस तरह का नेचर सामने आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने यहाँ से दोस्तों। तो सामने की ओर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का मौसम है, धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। बट अभी सामने की ओर अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बादल भी बने हुए हैं और साथ में कुछ इस तरह से अभी सूर्य देवता आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो देख पा रहे हैं दोस्तों आप, अभी मौसम पूरा खुला नहीं है, बादल हैं, फिर भी कुछ इस तरह का व्यू अभी सामने को आपको मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। इतना कम बादल खुला है मगर काफ़ी अच्छी धूप निकल कर आ रही है फिर भी। तो सामने की ओर ये सुबह 6 बजे का कैंटर जंगल सफारी को जाता हुआ। अभी तो दोस्तों मौसम इतना ही खुला है, बादल अभी आसमान पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं किस तरह मौसम खुलता है और क्या मिजाज रहता है आज दिन का। तो सुबह का टाइम था, सोचा थोड़ी कवर करूं नए ब्लॉग के लिए, तो देखते हैं आज का जो ब्लॉग होगा उसमें क्या होता है। बट सुबह कुछ इस तरह हो रही है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो कुछ इस तरह सामने की ओर अभी तो कुछ इस तरह है हमारा ये खेत। और यहाँ पे करनी है दोस्तों आज हमें काफ़ी मेहनत, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मम्मी निकाल दी इस खेत से घास और सामने उस घास को जला भी रहे। तो दोस्तों ये है मेरे घर के आंगन में एक आम का पेड़ जिसमें हो रहे थे कुछ इस तरह आम, और ये मेरा घर और मेरे घर के बैक साइड का दोस्तों कुछ इस तरह का व्यू है। तो सामने की ओर कुछ ये है और ये जलाई है दोस्तों उस धूप को निकाल करके आग उसमें, और साथ ही मैं भी कर रहा हूँ मेहनत जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सामने मम्मी भी लगी है दोस्तों धूप निकालने पे और मिट्टी को तोड़ने पे। जैसा कि सामने की ओर आपको मैं दिखाऊं तो ये काफ़ी मोटी मिट्टी थी जो कि गीली थी, इसे 1 या 2 दिन लगे थे सूखने में और इसमें धूप काफ़ी ज़्यादा थी दोस्तों। तो पहले इसे इस तरह तोड़ रहा था, उसके बाद मम्मी इसकी धूप निकाल देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े मिट्टी के डेले बने हुए हैं। तो सामने की ओर आपको मैं दिखा रहा हूँ, और जिसे मैं कुछ इस तरह से दोस्तों फोड़ रहा हूँ अभी। थोड़ी आवाज़ का इशू हो सकता है, अगर आवाज़ का इशू हो तो दोस्तों आप अपना वॉल्यूम प्लीज़ थोड़ा बढ़ा लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, आप प्लीज़ मेरी वीडियो जब भी देखते हैं तो उसे अंत तक देखा करें, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें मेरे इस चैनल को, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी बनती हैं और मैं आपको कुछ नया दिखाऊं। तो मैं वो ट्राई करूँगा। तो अभी मैंने वहाँ पे मिट्टी तोड़ी थी दोस्तों, अभी सामने की ओर ये कोना रह गया था जहाँ पे कि बैल नहीं कवर कर पाए थे, तो इस जगह पर अभी मैं इस फावड़े से इस जगह को खोद रहा हूँ और बाद में मम्मी इस जगह से भी धूप निकाल देगी दोस्तों। अभी मम्मी तोड़ने लगी है मिट्टी के डेले और मैं रहा हूँ वहाँ पे खोद। तो कुछ इस तरह का गांव का माहौल होता है दोस्तों जो कर रहे हैं अभी। सही है, हाँ। क्या लग रहा है? खट्टा बहुत है यार, बहन खट्टा हो रहा है तो।
काफी टाइम बाद खाने को मिला यार आज ये का फल। इसके अंदर गुठली है मगर जो इसकी बाहर की लेयर काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन छोटे छोटे दाने टाइप से कुछ हो रहे हैं इसमें, और इसका नाम है काफल, जो कि ये इसका अभी सीजन है गर्मियों का, तो गर्मियों के सीजन में ये हर साल काफल हो जाते हैं दोस्तों। और ये काफल आया है देघाट से दोस्तों, देघाट जो कि काफ़ी अच्छी जगह है, और वहाँ पे हैं काफ़ी सारे मंदिर, और काफ़ी सारे उस जगह पे लगाए हैं दोस्तों फूल, और जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। तो कुछ इस तरह से उस जगह से आया है ये काफल, जैसा कि सामने की ओर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है, और जो काफ़ी टेस्टी है दोस्तों खाने में। अगर आप कभी उत्तराखंड आए तो एक बार इस काफल का टेस्ट जरूर लें, चाहे आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाएं या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, आपको ये गर्मियों के टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट में ये फल खाने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि बेहद ही खूबसूरत और स्वादिष्ट फल है। तो दोस्तों दिन भर की थकान के बाद कुछ इस तरह शाम को मिल गए थे काफल खाने को, जो आपको दिखाया। तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरे द्वारा दिखाया गया व्यू और काम अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले ब्लॉग अलग कंटेंट के साथ में। ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।